और अब चलिए बात करते हैं शिवपुरी की, जहां पे NHAI का दावा है कि शिवपुरी और ग्वालियर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 46 में पौधारोपण करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की पहल की जा रही है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने की है। देखिए रिपोर्ट। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर और शिवपुरी को जोड़ता है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सौंदर्यकरण करने के लिए पौधारोपण कर रही है। पौधों को कहीं ना कहीं रोप तो दिया गया है, ऑक्सीजन बढ़ाने की दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है तो ये बांस की छोटी छोटी डंडियों के ऊपर इनको सुरक्षा दी गई है। और अगर पानी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कभी लगाने के बाद इन्हें पानी दिया ही नहीं गया। ऐसे में ये खुले में लगे हुए आपको यहाँ से वहां तक अगर दिखाई देंगे तो सिर्फ पेड़, और इन पेड़ों को लगाने का मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली कंपनी का यह है कि इस वजह से यहाँ न केवल सौंदर्यकरण होगा बल्कि इस क्षेत्र का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से पेड़ लगाकर छोड़ देना और उसके बाद उम्मीद करना कि यहाँ सौंदर्यकरण दिखाई देगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऐसा मुझे कम से कम दिखाई नहीं देता। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों को महसूस भी करते हैं। अगर हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करें और ये समझें कि ये वास्तविकता में किया क्या गया है तो कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो पेड़ लगाए हैं क्या इनका मतलब क्या है इनका? जिनका मतलब जो है हमने हमारे सामू लगे हैं पेड़, ने बताना से पानी बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं और दिया। देख रेख के बारे में कोई नहीं, कोई नहीं दिखा हमने, रोहित उनके यहाँ काम करने जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखता हमने, सुरक्षा भी नहीं है, कहीं कितना नहीं है। तो गाय मवेशी वगैरह जो सब खाते हैं, ये है कि इसकी बाउंड्री हो जाए और तार फेंसिंग हो जाए तो इनको बचाया जा सकता है, पानी लगे इसको, और वैसे नहीं बचाया जा सकता, वैसे नहीं बचेगा। अच्छा, और आप बताएं? वैसे नहीं बचेंगे। तो इसमें मतलब आप भी यही रहते हैं? नहीं। तो देखते होंगे क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया जाता, लगा के छोड़ दिया, ऐसे ही लगा कर छोड़ दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पेड़ लगाने की बात की गई वो तो धरातल पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन अगर हम आपसे यकीनन ये बात करें कि सौंदर्यकरण होगा और इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, वो तो सब जब होगा जब ये पेड़ पौधों से बड़े होकर पेड़ों की शक्ल लेंगे। लेकिन ऐसे ही कुछ दावे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली कंपनी ने NH 27 पर भी किए थे और वहां भी अगर हम हालातों को देखें तो वो दावे खोखले साबित हुए और पौधे लगाए तो गए लेकिन वो पेड़ बनने से पहले ही खत्म हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इस जगह को जहां ये ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद और दावे किए जा रहे हैं उसको वास्तविक रूप में विकसित किया जा सकेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।